Tabitha, and I am currently exploring Fort Monroe the way to Azan, and we're having an amazing time. And please follow my Instagram page and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबेला जो कि जर्मनी से आई थी और फोर्ट मिनरो विज़िट कर रही थी अपने प्राइवेट गार्ड के साथ, वहाँ उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, क्या ये वाक़या हकीकत पे मबनी है या नहीं, और ये और बहस है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँची कैसे, जानिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अरबेला पहली दफ़ा फोर्ट मिनरो आई है और ये शायद कम लोग जानते होंगे कि डीजी खान में किसी भी गैर मुल्की को ठहरने की इजाज़त नहीं है। ये हमारे लॉ एंड फोर्स एजेंसीज की कमज़ोरी है कि वो फोर्ट मिनरो तक पहुँची भी और वहाँ पे होटल में ठहरी भी, और उसके बाद होटल में जो उसके साथ हुआ वो तकलीफ दे बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से लेकर डीजी खान पहुँचने से लेकर होटल तक पहुँचने हमारे लॉ एंड फोर्स एजेंसीज की कमज़ोरी बिल्कुल है। और वहाँ जो कुछ हुआ उसका जो प्राइवेट गार्ड है वो डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तार किया गया उनको, अब वो लॉ एंड फोर्स एजेंसीज के कब्ज़े में हैं। और लड़की ने भी बयान दिया है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो तकलीफ़ देह है, यकीनन ये बात तकलीफ़ देह है, बहुत ही गलत बात है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो बहुत ही ज़्यादती है किसी भी लड़की के साथ ऐसा करना। एक तो लड़की के साथ ज़्यादती की है, दूसरे अपने साथ ज़्यादती की है, क्योंकि वो प्राइवेट गार्ड जो रखी हुई थी उसमें वो पैसे देती थी, यानी इनकम था उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपने इनकम को भी ख़त्म किया, अपने शोहरत को भी ख़त्म किया और अपने सब कुछ मिलिया मेट कर दिया और पाकिस्तान की भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। थैंक्स, सब जानिए जो प्राइवेट गार्ड है उसका बयान जानिए कि वो क्या कहते हैं। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करें सारे दोस्त खैरियत नाल होसन। अच्छा दोस्तों, सवेरे दी न्यूज़ चल रही खड़ी है ते फेसबुक ते उते भी तकरीबन सोशल मीडिया उते हैं कि अजान को साथ भी है एक बंदे नाल एक चूहे का रेप किते ने, ते संगत मैदा इंदे विच कोई हाथ भी कह नहीं। मैं कू बाबा सवेरे न्यूज जेरे वेले उन्हें डिठी है, मैं कू ने गाली कजन बंदे कजन, मैं उड़ो गुड़ो निकल आया एक दिया ते चाय बैठा बहु दूर जिथा मतलब इतना कोई सहूलत कह नहीं कशा कह नहीं। खैर तो मैं दसना पा मैदा इंदे विच कोई हाथ भी कह नहीं। अरा बेला जी यही वत यही वो मेरे तहूँ है यही जो हूँ को थोड़ा फेमस सीमन का शौक है हूँ मैं को आखिए जो मेरे इंस्टाग्राम है इनको फॉलो करवा दे वो है भला मेरे दोस्त हैं वो तू हैं जेरे उनको किति वन टूअर गाइडर हैं मैं उन्हें नाल मिल कर मतलब मेहमान नवाजी करना रह गया मैं उन्हें दोते हैं जितना भी उन्हें आखिया मैं बहन गन मैं कोई पता कहना उन्हें क्या सीन है क्या चक्कर है क्या कहानी है। मैं तुहरे को पहले तो कोई वीडियो दिखावा जेरी ओ आदि पी एम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो वायरल करो मैं को ये देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करे ना सारे दोस्त के रेत ना लोसन ते ए सारे मेहमान हैं आए वदन जर्मनी तो ना स्पाइसी गर्ल इने दे इंस्टाग्राम दे आईडी दा ना है ते उदे बाद फेसबुक दा पेज है टिकटॉक दी आईडी भी है यूट्यूब चैनल ते इने बनाया कहने इतना इने वाला से खैर इने को जरा तवज्जो देओ लाइक फॉलो करे सो पिछली आवाज ही मुजम्मिल दी आवाज ही जरा मतलब इनको घिन आया मैं इन्हें को ना जानता हूं मेरे बस इस्लाम दुआ थे ये दोस्त हैं टिकटॉकर हैं तो पता है हर बंदे नाल मिलन होंदे जुलन होंदे असा डीजी खान वाले हैं सारी यो फर्ज है असा अपने मेहमान की कदर करूं बाकी कोई ये जो गलत गाल कहनी रेप शेप वाली अगर कोई रेप वाली गाल है मैं दिया ने देवन को तैयार हाँ लेकिन मेरे नाल एक पिछो बंदा खड़े नाल वे अहदे वाला जरा मैं को गरंटी देवे कि मैं तेरे नाल हाँ तेरे नाल कोई ज्यादती ना थी सी मैं सरदार साहब खान खोसे को दो पैगाम पुछना पा सही तुसा नाल थी वो इमरान खान पीटीआई असा आप भी पीटीआई के सपोर्टर हैं मैं टिकटॉक के उत्ते छोटा मोटा एक टिकटॉकर हाँ
मेहरबानी करो मेरे उते ही गलत केस ना बनाओ, मैं शरीफ खानदान जो ताल्लुक रखे ना, मेहरबानी करो मेरे उते कोई गलत केस ना बनाओ। ये वीडियो बनावा का मकसद यो है दोस्तों, जेरे दोस्त हैं शेयर करो ताकि ये वीडियो सारे सीएम पीएम तक पहुंच सके, मेरे नाल कोई ज्यादती ना थी वे तोरा अपना बिरा सरे की मेहरबानी करो। अल्लाह हाफिज़।